नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। चामुंडा चंड घाती च यई कारी वरदायिनी विच्चे चाभ्यदा नित्यम नमस्ते मंत्रूपिणी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जब माँ भगवती देवी दुर्गा का बीज या कुब्जिका या कुंजिका कुछ भी आप पढ़ते हैं तो उसमें एक भगवती का नाम आता है चामुंडा। लेकिन कभी भी इनके स्वरूप का विस्तार या इनका तंत्र लोगों के बीच नहीं आया। माँ चामुंडा भगवती के उन 8 रूपों में है जिनको योगिनी रूप में इस पृथ्वी पर स्थापित किया गया है ताकि इस पृथ्वी का भरण पोषण वो कर सके। माँ चामुंडा ही एक ऐसी भगवती का स्वरूप है जिसमें ऐं ह्रीं क्लीं मतलब सरस्वती लक्ष्मी और साथ में काली मतलब भरण पोषण विद्या और हनन तीनों की शक्ति इनमें समाहित है। माँ चामुंडा की पूजा करने से कलयुग में खास करके आपको धन बल और मानसिक शांति की कमी नहीं होगी। ज्ञान तो रहेगा ही क्योंकि इनमें काली और सरस्वती दोनों का भाव है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं रक्त चामुंडा का वशीकरण मंत्र। चामुंडा के बहुत सारे स्वरूप हैं जो आपने शुरुआत में जो टाइटल देखा इस वीडियो का उसमें जो मूर्ति है वो अनंत काल से चामुंडा की का स्वरूप है जिसका पूजा होते आया हिंदू परिवारों में जो कुछ दिनों से आर्यकरण हिंदू धर्म का होने के कारण विलुप्त हो गया। अब अगर आप इस मूर्ति की पूजा करेंगे तो लोग आपको तांत्रिक समझेंगे लेकिन यही चामुंडा का स्वरूप है। इसी स्वरूप में माँ का पूजा होता है नवरात्र के निशा बलि अष्टमी नवमी के निशा में जब संधि पूजा करते हैं तो इसी स्वरूप से माँ भगवती का पूजा होता है और आप जो दिन भर जाप करते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वो भी माँ के इसी स्वरूप का है। वो 8 स्वरूपों में एक स्वरूप है। तो उन 8 स्वरूपों में एक और स्वरूप मतलब जैसे एक टाइटल है फिर सब टाइटल है तो वो है रक्त चामुंडा मतलब लाल वर्ण वाली चामुंडा माता की साधना। इससे मैं वशीकरण आज आप लोग को बताऊंगा। इसमें आपको क्या चाहिए? इसमें मात्र आपको चाहिए बेलपत्र। 1, 2 या 3 बेलपत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर 5 पत्ते वाला बेलपत्र मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, शनिवार को इस साधना को शुरू करना है शाम के समय में। ठीक है, सुबह इसकी पूजा आपको नहीं करनी है, संध्या के समय में आप शुद्ध हो करके माँ भगवती चामुंडा का ध्यान करें। ठीक है, गंध पुष्प नवेद ये सब जो होता है जो 5 तरीके से पूजा होता है भगवती का जो मैंने पहले बताया है उस तरीके से माँ की पूजा करें। ठीक है, और उसके बाद एक रुद्राक्ष की माला लें और जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ इस मंत्र से माँ का जाप करेंगे। तो क्या मंत्र है? देखो, 2 चीज़ें हैं। एक तो रक्त चामुंडा के जाप करने से आपको धन वैभव और सुरक्षा तीन चीज़ों की जो है वो प्राप्ति होती है मतलब सर्टन हो जाता है। तो अगर किसी को वशीभूत नहीं करना है सर्व जन को वशीकरण करना है और अपने कल्याण के लिए करना है तो माँ का ध्यान करके कहना कि माँ मुझे अपने कल्याण के लिए अपने मटेरियल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या फिर अपने आम जनमानस को वशीकरण करने के लिए मैं ये जाप आपको दे रहा हूँ। दूसरा जो आप कर सकते हैं अगर किसी विशेष व्यक्ति के लिए करना है तो 1, 2 या 3 बेलपत्र इसको उस व्यक्ति के नाम से सामने रख देंगे माँ का। ठीक है, और उसके बाद जाप जो है उस बेलपत्र को देंगे। तो मंत्र क्या है? मंत्र है ओम ह्रीं रक्त चामुंडे हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीं रक्त चामुंडे हुम फट स्वाहा। फिर से एक बार सुनिए, ओम ह्रीं रक्त चामुंडे हुम फट स्वाहा। इस मंत्र से आपको 11 माला जाप करना है। कब तक? इस विधान में कब तक? तब तक होता है जब तक इस तंत्र का असर ना दिखने लगे। एक बार असर दिख जाए तो फिर इस तंत्र को आपको करना छोड़ देना चाहिए। ठीक है, और एक बार जब आपने 11 माला का जाप कर लिया तो आप संकल्प हमेशा 9 दिन का लेंगे। ठीक है, 9 दिन के बाद आप एक बार बलि देंगे। बलि किसी भी चीज़ की आप दे सकते हैं, जैसे भथुआ का बलि होता है ना, ईक का बलि होता है,
और बलि देते समय जो मंत्र आप पढ़ेंगे वो है ओम द्राम द्रीम द्रूम द्रैम द्रोम द्रह सह स्वाहा। क्या पढ़ेंगे? ओम द्राम द्रीम द्रूम द्रैम द्रोम द्रह सह स्वाहा। फिर से सुनिए बलि का मंत्र, ओम द्राम द्रीम द्रूम द्रैम द्रोम द्रह सह स्वाहा। ऐसा करके भगवती को बलि देंगे जो भी आपको अर्पण करना है, और उसके बाद इंतज़ार करेंगे कि आपने जो साधना 9 दिन की करी है उसका क्या असर होता है। जब तक मनोवांछित फल ना आए तब तक इस साधना को रिपीट करेंगे। देखो, इस साधना को किसी स्त्री को किसी पुरुष को वशीभूत करने से ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर आप व्यापार वृद्धि के लिए, जैसे आपको कस्टमर को वशीभूत करना है, तो ये मंत्र आप करें और उसके बाद इसका असर देखें अपने बिजनेस पे। अपने ऑफिस में आपको अपने स्वजनों को अगर वशीभूत करके रखना है तो उसमें इसका असर देखें व्यापार वृद्धि में, कि होता है कि नहीं होता है, ऑफिस वाले आपकी बात मानते कि नहीं। घर में आपको एक पकड़ चाहिए, समाज में आपको एक पकड़ चाहिए, तो सर्वजन वशीकरण आए ऐसा बोल करके इस साधना को करिएगा। तो ऐसा करने से सब जो जनमानस है वो आपके वशीभूत होंगे और आपको लाभ। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सअप साधना सीखनी है, मतलब आसन बंधन ये सब जो साधना होती है बेसिक, वो सीखना है, वो मेरे पेड व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431185585। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रुद्रनाथ @cm4 सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा और आप उस पर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए www.aghortantra.xyz पर जाइएगा, वहाँ पे अपॉइंटमेंट सेक्शन मिलेगा, आप वहाँ से भी अपॉइंटमेंट सीख कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। माँ चामुंडा आप लोगों को यश भैरव और शक्ति दे, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश, अलग खाते।